आज गोपालगंज दौरे पर रहेंगे लालू यादव और राबड़ी देवी। अपने पैतृक गांव फुलवरिया जाएंगे, खावे मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार वालों से भी मुलाकात उनकी होगी। कल गोपालगंज में लालू का हुआ था भव्य स्वागत। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज गोपालगंज जिले के दौरे पर जाएंगे लालू यादव, अपने पैतृक गांव फुलवरिया जाएंगे, खावे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे लालू यादव। पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार वालों से भी करेंगे मुलाकात। कल गोपालगंज में लालू यादव का भव्य स्वागत किया गया था। नया पुराना देखा कि कहाँ है वो, जहाँ हम सुराते थे आते थे। नया ही लोगों ने बनाया है उसके पीछे, तो हमारे लिए ठीक नहीं है। कंजेस्टेड हमें लगा, पैक है चारों तरफ से आंधी। यहाँ हम बच गए, खुला आप लोगों को बुला दिया, बैठा दिया, हम बचा नहीं सकते थे। हाँ, ससुराल भी जाएंगे, वहाँ भी मंदिर है, राबड़ी देवी जी का बनाया हुआ घाट है, घर है, ससुराल है, तो सब जगह। भाई आपा तो डरते ही बिना हमसे उसका समझ जाके हटने वाले नहीं है, तो उनको हम हटा ही देंगे। पक्का है हटा देना, जाना तय है। झंडा फहराएंगे हम लोग, इंडिया के लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जब हम लोग इतना 18 दल बैठ गए एक साथ, बैठ के मीटिंग कर दिया, तय कर दिया, तो अब तो आपस में हम लोग तय कर देंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, लालू यादव गोपालगंज पहुंचे हैं और वहां पर मंदिर में पूजा अर्चना तो करेंगे ही, लेकिन क्या इसके अलावा और भी कुछ खास कोई जानकारी? बिल्कुल पूजा, देखिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों बिहार की राजनीति में उतनी ही सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार बिहार के अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। बीते दो दिनों पहले सोनपुर गए थे और कल अपने ही पैतृक गांव फुलवरिया के लिए रवाना हुए हैं। बीती शाम गोपालगंज वो पहुंचे हैं जहाँ पर सर्किट हाउस में लालू प्रसाद यादव बीती रात रुके हैं और आज फुलवरिया जाएंगे। साथ ही साथ दर्शन करने के लिए मंदिर भी जाना है, थावे मंदिर में दर्शन भी करेंगे लालू प्रसाद यादव। साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि अपने ससुराल भी जाएंगे, यानी कि राबड़ी देवी के घर भी जाएंगे, वहां पर भी मुलाकात करेंगे। कई मंदिर हैं वहां पर भी उस जगह पर पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही साथ गठबंधन को लेकर भी कई बातें कही हैं। साफ कहा है कि जब 18 दल एक साथ हैं तो इंडिया झंडा फहराएगा, यानी कि 24 के चुनाव को लेकर साफ लालू प्रसाद यादव का संकेत है कि जब 18 पार्टियों का गठबंधन एक जगह पर है तो इंडिया गठबंधन इस बार 24 में लोकसभा में झंडा फहराएगा। और साथ ही साथ लालू यादव की सक्रियता जो है इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जब राहुल गांधी खुद लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने लालू यादव से जाते हैं, तो एक कद जो लालू यादव का पहले नजर आता था, अमूमन वही कद लालू यादव का इन दिनों नजर आ रहा है। अपने इलाज के बाद लालू यादव बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में उतनी ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। और कल ही लालू प्रसाद यादव गोपालगंज के लिए रवाना हुए जहां पर अपने पैतृक घर आज जाएंगे, कई घंटों वहां रुकेंगे भी। साथ ही साथ थावे मंदिर में दर्शन भी करना है, राबड़ी देवी साथ में है और वहां के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी लालू यादव के साथ ही साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लालू यादव का ये दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है, वहां के वोटर्स को अपनी तरफ करने का एक तरीका जो है वो लालू यादव बखूबी जानते हैं। पूजा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उत्कर्ष।